मूवी की शुरुआत में ही एक कपल को दिखाते हैं और थोड़े दिन ही पहले इनको एक बच्चा हुआ होता है, लेकिन ये दोनों ही कपल बड़े घबराए हुए दिखाई देते हैं और ये कपल अपने घर के सभी आयनों को तोड़ रहे होते हैं। फिर उस बच्चे की मम्मा उस बच्चे को झूले में डालकर बाहर किसी काम से चली जाती है, लेकिन तभी झूले के नीचे से एक मॉन्स्टर बेबी निकलता है और उस छोटे बच्चे के गाल पर एक कट लगा देता है, जिससे उस छोटे बेबी का खून बहने लग जाता है। फिर उस छोटे बच्चे का बाप उस घर के आखिरी शीशे को तोड़ने जाता है तो उसे नहीं तोड़ पाता, क्योंकि उस शीशे के अंदर चुड़ैल होती है। वो चुड़ैल शीशे से बाहर आकर उस आदमी को मार देती है। फिर उस बच्चे की मम्मी वापस आकर अपने बच्चे को देखती है तो वो बच्चा भी मरा हुआ होता है, और उस बच्चे को देखकर ये लग रहा होता है कि ये बच्चा काफी दिनों से मरा हुआ है, और वो चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है। फिर थोड़े दिनों के बाद एक कपल को दिखाते हैं जिसमें से औरत का नाम रेचल होता है और रेचल थोड़े दिनों पहले ही माँ बनी होती है। ये लोग अपने बच्चे के साथ एक नए घर में आते हैं और ये लोग नए घर में अपना सामान जचा ही रहे होते हैं, तभी उनके पास एक कुरियर आता है। दरअसल ये कुरियर रेचल की मॉम ने भेजा था, जिसमें कुछ डब्बे और खिलौने थे। मैं आपको बता दूं कि इस डब्बे में खिलौने उसके बहन के बच्चे के थे, और रेचल की बहन कोई और नहीं बल्कि जिसको हमने शुरुआत में देखा था वही थी। और जो घटना उसके बहन के पति और बच्चे के साथ हुई थी उसका पता आज तक नहीं लगा था, और आखिर वो लोग घर के सारे शीशे क्यों तोड़ रहे थे इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला था। फिर उस सभी खिलौनों को देखकर रेचल खुश नहीं होती। वो सोचती है कि मेरी माँ ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान भेजा है। वो अपने पति से कहती है कि मेरी माँ ने उस बच्चे के खिलौने भेज दिए हैं जो मर चुका है। फिर उसका पति कहता है कि कोई बात नहीं, वो एक बुरा हादसा था और हमें उस हादसे को नहीं याद करना चाहिए। फिर रेचल देखती है कि उस डब्बे में एक किताब भी छुपी हुई थी जिसमें कुछ अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उस किताब में कुछ तस्वीरें भी थी और कुछ म्यूजिक की धुन भी बनी हुई थी। फिर रेचल वो किताब अपने पति को दिखाती है, क्योंकि रेचल को तो वो भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन उसके पति को वो भाषा समझ आती है। फिर रेचल का पति रेचल को बताता है कि जो इस किताब में लाइन और धुने बनी हुई है वो लेलाबाई की है, मतलब कि वो एक प्रकार की लोरी है जो छोटे बच्चों को सुनाई जाती है। फिर रेचल उस धुन को गुनगुनाना स्टार्ट करती है, लेकिन तभी उनके घर पे कॉल आता है और रेचल चुप हो जाती है और उस किताब को बंद कर देती है। फिर कुछ दिन और महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन रेचल का बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा रोता था और वो सोता भी नहीं था, इसलिए वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। फिर उसका पति काम पर चला जाता है और रेचल घर पे अकेली रह जाती है, और वो अपने बच्चे को चुप करवाने की कोशिश में लगी रहती है और अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बच्चा सोता ही नहीं और उसका बच्चा सुसू कर देता है। फिर रेचल बेडशीट बदलने के लिए अलमारी खोलती है तो रेचल को वही बुक दिखाई देती है जिसमें बच्चों की लोरी लिखी हुई होती है। फिर रेचल उस बुक को खोलती है और वो धुन गुनगुनाने लगती है, तो उस धुन को सुनकर रेचल का बच्चा सो जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त हम देखते हैं कि घर के एक शीशे पर दरारें शुरू हो जाती है जो देखने में काफी डरावना लग रहा था। फिर रात को रेचल का हस्बैंड घर वापस आता है तो रेचल उसको बताती है कि मैंने बच्चे को लालाबाई की लोरी सुनाई और वो सो गया, जिससे उसका हस्बैंड भी काफी खुश हो जाता है। और फिर दोनों सो जाते हैं और उनके पास एक बेबी स्क्रीन रखी हुई होती है जिसमें वो देख सकते थे कि उनके बच्चे के कमरे में आखिर क्या चल रहा है। फिर रेचल अचानक स्क्रीन पर देखती है तो उसको अपने बच्चे के पास एक चुड़ैल दिखाई देती है, और फिर रेचल दौड़कर अपने बच्चे के कमरे में जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। लेकिन उस कमरे की अलमारी का दरवाजा खुला हुआ होता है। फिर रेचल अलमारी चेक करती है, लेकिन अलमारी में भी कुछ नहीं होता। फिर रेचल बेबी स्क्रीन को देखती है तो सोचती है कि शायद ये स्क्रीन खराब हो गई है, और इसीलिए वो बेबी स्क्रीन को कचरे में फेंक देती है। फिर रेचल वापस अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी नजर शीशे पर पड़ती है, और शीशे में वो चुड़ैल दिखाई देती है जो उस पर नजर रख रही होती है, लेकिन रेचल उस चुड़ैल को नहीं देख पाती, और उसके बाद उस टूटे हुए शीशे पर और भी दरारें शुरू हो जाती है। फिर जब अगले दिन रेचल का पति नहा रहा होता है तो रेचल उसके पास आती है, लेकिन जब आईने में देखते हैं तो वो चुड़ैल दिखाई देती है, जिससे उसका पति काफी डर जाता है और फिर अपनी पत्नी को धक्का दे देता है, और इस चीज से रेचल काफी नाराज हो जाती है। फिर अगले दिन रेचल मार्केट जाती है नया बेबी स्क्रीन लेने के लिए, और फिर अचानक उस मॉल में अंधेरा हो जाता है और रेचल को वो चुड़ैल दिखाई देती है, जिससे रेचल काफी डर जाती है। और उसके बाद रेचल अपने घर आ जाती है और घर आकर देखती है कि उस टूटे हुए शीशे की दरारें और बढ़ रही होती हैं। फिर रेचल को अचानक से उसके बच्चे के कमरे से रोने की आवाजें आती हैं। रेचल अपने बच्चे के कमरे में जाती है देखने के लिए, लेकिन तभी उसे याद आता है उसका बच्चा तो उसके पास ही है। लेकिन जब वो अपने बच्चे के रूम में एंटर करती है तो उसके बच्चे के झूले में उसे एक और बच्चा दिखाई देता है, लेकिन वो जैसे ही कंबल हटाती है तो वहां पर कोई बच्चा नहीं बल्कि एक खिलौना होता है, और ये देखकर रेचल काफी डर जाती है। और फिर उस कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लग जाते हैं, ये देखकर रेचल घर से बाहर आ जाती है। फिर जब रात को रेचल का पति घर वापस आता है तो रेचल उसको बताती है कि हमारे घर में कुछ है। फिर रेचल का पति एक रोड
पासवर्ड लेकर घर के अंदर जाता है और चेक करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी हड़बड़ी में रेचल के पति का तोता पिंजरे से बाहर आ जाता है और वो उड़ने लगता है। तो रेचल का पति सोचता है कि कोई चोर है और वो रोड से उस तोते को मारता है तो तोता मर जाता है, जिससे रेचल का पति काफी उदास हो जाता है। फिर रेचल घर के अंदर आकर अपने पति को संभालती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती से हुआ है, शायद मैं भी अपनी बहन की तरह पागल होने लग रही हूँ। रेचल का पति कहता है कि तुम अपनी बहन की तरह पागल नहीं हुई हो, वो तो पूरी पागल हो चुकी थी, उसने अपने बच्चे की लाश को हफ्तों तक ढककर रखा था और तुम तो उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। फिर रेचल अपने पति को बताती है कि उसे एक चुड़ैल जैसी औरत दिखती है जो मुझे डराती है। फिर रेचल का पति उस किताब को खोलता है और उसमें एक चुड़ैल की तस्वीर बनी होती है। फिर वो रेचल को दिखाता है और पूछता है कि क्या ये वही चुड़ैल है, क्योंकि ये चुड़ैल मुझे भी दिखाई दी थी जब मैं नहा रहा था। ये सुनकर रेचल काफी टेंशन में आ जाती है। फिर रेचल का पति रेचल को संभालता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम मिलकर इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, और ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। फिर रात को अचानक रेचल के पति को अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है, लेकिन वो घर के बाहर से आ रही होती है, लेकिन उनका बच्चा तो उनके साथ ही सोया हुआ था। फिर रेचल का पति नींद में उठकर ही अपने बच्चे को चुप करवाने के लिए चला जाता है और घर से बाहर उस जगह पर आ जाता है जहां पर रेचल के पति ने उस किताब को फेंक दिया था। दरअसल वो रोने की आवाज इसी किताब से आ रही थी। फिर रेचल का पति उस किताब को लेकर वापस घर के अंदर आ जाता है। फिर सुबह दिखाते हैं कि रेचल और उसका छोटा बच्चा बेड पर लेट रहे होते हैं, लेकिन तभी बेड से बच्चा गायब हो जाता है, लेकिन उस बच्चे की आवाज चद्दर के अंदर से ही आ रही होती है। तो रेचल चद्दर के अंदर घुसकर अपने बच्चे को ढूंढना स्टार्ट कर देती है और फाइनली रेचल को अपना बच्चा मिल जाता है, लेकिन मरा हुआ। ये देखकर रेचल काफी घबरा जाती है और चिल्लाकर चद्दर को फेंक देती है, लेकिन देखती है कि उसका बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। ये देखकर रेचल की जान में जान आ जाती है। फिर अगले दिन रेचल का पति अपने बच्चे को साथ काम पर ले जाता है, क्योंकि उस दिन रेचल को कोई जरूरी काम करना था। फिर रेचल का पति अपने बच्चे को लेकर चर्च में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक प्रिस्ट से होती है, जबकि हम दूसरी तरफ रेचल को एक मेंटल हॉस्पिटल में जाता हुआ देखते हैं जहां उसकी बहन रहती है। उधर दूसरी तरफ रेचल का पति उस प्रिस्ट से अपनी सारी बातें बताता है और उस प्रिस्ट से पूछता है कि आखिर हम इस समस्या से कैसे बाहर आए। और फिर ये सारी बातें सुनकर प्रिस्ट उससे कहती है कि ये सारी ही समस्याएं रेचल की बहन के साथ भी हो रही थी और वो भी मेरे पास आई थी। फिर वो प्रिस्ट उस किताब को देखकर उसके बारे में बताना शुरू कर देती है। उधर दूसरी तरफ रेचल अपने बहन को सारी बातें बता देती है, तो उसकी बहन पूछती है कि क्या तुमने ललाबाई की लोरी सुनाई थी अपने बच्चे को। तो रेचल कहती है हाँ। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि अब तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत बुरा होने वाला है, तुम्हें वो लोरी नहीं सुनानी चाहिए थी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैंने वो सारा सामान एक डब्बे में बंद करके छुपा दिया था ताकि किसी को मिले नहीं, लेकिन ये तुम तक पहुंच ही गया। फिर एक तरफ प्रिस्ट उसके पति को किताब से जुड़ी सारी बातें बता रही होती है, दूसरी तरफ रेचल की बहन रेचल को किताब से जुड़ी सारी बातें बता रही होती है। फिर वो कहते हैं कि दुनिया बनने से पहले गॉड ने एडम और ईव को बनाया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एडम और ईव को बनाने से पहले गॉड ने एक औरत को बनाया था जिसका नाम लिली था, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और फिर गॉड ने एक खास किस्म की लोरी भी बनाई जिसको सुनकर लिलित गॉड के पास आ जाती थी, और लिलित हमेशा गॉड के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन ईव की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। और फिर ईव से नफरत करने की वजह से लिलित को वहाँ से निकाल दिया गया था और जंगल में छोड़ दिया गया था। उसके बाद लिलित जंगलों में भटकती रही और भेड़ियों के साथ रहती रही। उसके बाद लिलित ने कुछ ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो आधे इंसान और आधे भेड़िए थे। और फिर कुछ समय के बाद एडम और ईव ने भी बच्चों को जन्म दिया जो कि लिलित के बच्चों से सुंदर और प्यारे थे, जिससे लिलित को जलन होने लग गई। इसीलिए लिलित ने उनके बच्चों को चुराना शुरू कर दिया और वो ऐसा बार बार करती रही, क्योंकि लिलित के बच्चे दिखने में जानवरों जैसे थे, लेकिन एडम और ईव के बच्चे दिखने में इंसानों जैसे थे और सुंदर थे। लिलित के ऐसा करने की वजह से एडम और ईव ने गॉड से मदद मांगी, तो गॉड ने लिलित को उठाकर एक खतरनाक दुनिया में फेंक दिया। लेकिन खतरनाक दुनिया में जाने से पहले लिलित ने गॉड की लोरी को एक किताब में डाल दिया, ताकि अगर कोई भी उस लोरी को अपने बच्चे को सुनाएगा तो लिलित वापस आ जाएगी और उनके बच्चे को ले जाएगी। तो अब जब भी कोई उस लोरी को गाता है तो लिलित उस दुनिया से वापस आती है और उनके बच्चे को उनसे चुरा कर ले जाती है। फिर उसकी बहन रेचल से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, और इसके लिए रेचल मान भी जाती है। उधर दूसरी तरफ रेचल का पति उस प्रिस्ट से मदद मांगता है, तो वो प्रिस्ट कहता है कि ये सब झूठी कहानियां हैं, इन पर विश्वास मत करो, और इस मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, और रेचल के हस्बैंड को वहां से भेज देती है। फिर रेचल का पति घर वापस आ जाता है और घर आकर देखता है कि उनके बाथरूम के सारे नल खुले हुए थे। और फिर रेचल का पति अपने बच्चे को
अकेला छोड़कर बाथरूम में चला जाता है सारे नल बंद करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है और तभी रेचल के बच्चे के पास बेबी मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये बेबी मॉन्स्टर कुछ और नहीं बल्कि लिलिथ के बच्चे थे और ये मॉन्स्टर बेबी भी इंसानों के बच्चों से नफरत करते हैं। और फिर लिलिथ के बच्चे उस छोटे बच्चे के पास एक ग्लास का जार फोड़ देते हैं ताकि उसको चोट लग सके और उधर बाथरूम के अंदर रेचल के पति को लिलिथ की झलक दिखाई देती है और उधर बच्चा कांच के टुकड़े से अपना हाथ जख्मी करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रेचल आ जाती है और उसको बचा लेती है। रेचल के साथ उसकी बहन भी वहाँ पर आ जाती है। रेचल की बहन को देखकर रेचल का पति पूछता है कि तुम इस पागल को यहाँ पर क्यों ले आई हो, तो रेचल अपने पति से कहती है कि ये यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आई है। फिर रेचल की बहन उनको बताती है कि पहले चुड़ैल ने उनके बच्चे को मारा था और बाद में उसके पति को मार दिया था, तो अब हमें कैसे भी करके तुम्हारे बच्चे को बचाना है और घर के सारे शीशों को ढक देना है और जब भी हम लिलिथ को देखें तो फौरन वहां से भाग जाएं, क्योंकि लिलिथ हमेशा शीशे के जरिए ही नजर रखती है और शीशे के जरिए ही वहां से आती जाती है क्योंकि शीशा ही लिलिथ का आने जाने का रास्ता है अपनी दुनिया से उनकी दुनिया में। फिर रेचल के पति के पास एक फोन आता है जिसमें वो आदमी रेचल के पति से कहता है कि एक प्रिस्ट ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम्हें मदद चाहिए और तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो बिल्कुल सही है, तो अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो तुम इस पते पर आकर मुझे लेने आ जाओ। फिर रेचल का पति अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और उधर रेचल और उसकी बहन ही उस घर में बचे हुए थे। फिर रेचल अपने बहन से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। फिर उसकी बहन कहती है कि तुम ऐसा मत सोचो, ये सब लिलिथ ने तुम्हारे दिमाग में डाला है ताकि तुम अपने बच्चे से नफरत करने लग जाओ, जिसके बाद आसानी से वो तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी। उधर रेचल का पति उस प्रिस्ट के पास पहुँच जाता है तो प्रिस्ट उसको कहता है कि इस किताब में जो लोरी है वो किसी ने गाई है, तो उसका पति कहता है कि हाँ वो मेरी पत्नी ने गाई है। फिर वो प्रिस्ट कहता है कि इसीलिए लिलिथ की नजर तुम्हारे बच्चे पर है। फिर वो प्रिस्ट कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें अपने बच्चे को बचाना होगा क्योंकि लिलिथ डायरेक्ट आकर तुम्हारे बच्चे को नहीं ले जा सकती, उसे कुछ रिचुअल्स पूरे करने होंगे और बिना रिचुअल्स के पूरे किए बिना लिलिथ तुम्हारे बच्चे को नहीं ले जा सकती और इस रिचुअल के 3 स्टेप होते हैं जिनके पूरा होने पर उस दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और वो आ जाती है। और उस रिचुअल का पहला स्टेप होता है उस लोरी को गाना, दूसरा स्टेप होता है कि उस घर में किसी जानवर का खून बहना। ये सुनकर रेचल का पति कहता है कि हाँ मेरे हाथों से उसके तोते का खून हुआ था और वो वहीं घर के अंदर मर गया था। फिर वो प्रिस्ट कहता है तो इसका मतलब आखिरी 3rd स्टेप ही बचा है और ये आखिरी स्टेप है कि उनके बच्चे का एक खून बूंद बहना और जैसे ही ऐसा होता है लिलिथ उनके बच्चे को लेने आ जाएगी और ये लास्ट वाला रिचुअल कोई और नहीं बल्कि लिलिथ के बच्चे पूरा करते हैं और इसीलिए लिलिथ के बच्चों ने वो ग्लास वाला जार रेचल के बच्चे के आगे फोड़ दिया था ताकि उसको चोट लगे और उसका खून बहे। उसके बाद प्रिस्ट रेचल के पति को कुछ सामान देता है और एक दुआ लिख कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस को सच्चे मन से पढ़ना होगा, भरोसे के साथ पढ़ना होगा क्योंकि लिलिथ बेशक ताकतवर है लेकिन भरोसे के आगे ताकतवर नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें इस दुआ को भरोसे के साथ पढ़ना होगा। ये सुनकर रेचल का पति वहाँ से जा रहा होता है लेकिन जब वो किताब वापस मांगता है तो प्रिस्ट उसको कहता है कि ये किताब तुम यहीं छोड़ दो क्योंकि ये किताब दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। उधर दूसरी तरफ लिलिथ के बच्चे घर में आ जाते हैं और उस छोटे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन तभी रेचल की आंख खुल जाती है और वो अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है और तभी रेचल की बहन उसके पास आती है और कहती है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक तुम्हारे बच्चे को मैं संभालती हूँ। लेकिन यहाँ पर उसकी बहन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे क्योंकि रेचल के जाने के बाद वो शीशे पर से कपड़ा हटा देती है जो उसे नहीं करना चाहिए था और साथ ही बच्चे को सुई भी चुभा देती है जिससे उसका खून निकल जाता है और उसके बाद वो लोरी गाना शुरू कर देती है जिसको सुनकर रेचल काफी हैरान हो जाती है और अपनी बहन से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर उसकी बहन बताती है कि मेरा बच्चा अभी जिंदा है जो दूसरी दुनिया में लिलिथ के पास है और मैं अपने बच्चे को वापस पाना चाहती हूँ, तो जब लिलिथ आएगी तो मैं तुम्हारे बच्चे के बदले अपना बच्चा मांग लूंगी और हाँ मैंने ही वो किताब तुम्हारे पास उस सामान में रखकर भेजी थी क्योंकि जब से तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। रेचल को अपनी बहन का ये रूप देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और इसीलिए रेचल अपनी बहन पर हमला कर देती है लेकिन तभी लिलिथ शीशे से बाहर आती है और उसके बच्चे को ले जाती है। उसके पीछे पीछे
रेचल और उसकी बहन भी शीशे के अंदर चले जाते हैं और वो ललित की दुनिया में पहुंच जाते हैं। उधर दूसरी तरफ रेचल का पति रस्ते से आ रहा होता है तो तभी वहां पर ललित आकर रेचल के पति पर हमला कर देती है, लेकिन जैसे तैसे रेचल का पति जान बचाकर घर पहुंचता है तो शीशे में देखता है कि उसकी पत्नी का हाथ वहां पर होता है। फिर रेचल का पति सारी मोमबत्तियों को जलाकर सारे शीशों को चेक करने लगता है। उधर ललित की दुनिया में ललित के बच्चे रेचल पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो उनसे बच जाती है। फिर रेचल की बहन रेचल से कहती है कि तुम पूरे यकीन से अपने बच्चे को बुलाओ, तभी वो वापस आएगा और तभी हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। फिर रेचल जैसे ही अपने बच्चे का नाम लेती है तो उसको उसकी आवाज़ आती है, जिसका वो पीछा करना शुरू कर देती है। उधर घर के अंदर ललित फिर से रेचल के पति पर हमला करने के लिए आती है और उन मोमबत्तियों को भी बुझा देती है, लेकिन जब रेचल का पति उस दुआ को पूरे यकीन के साथ पढ़ना शुरू कर देता है तो वो मोमबत्तियां वापस से जलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से ललित वहां से चली जाती है। उधर वहां ललित की दुनिया में रेचल एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर उसको अपना बच्चा दिखाई देता है, लेकिन तभी ललित वहां पर आकर रेचल पर हमला कर देती है और बच्चा उससे छीन लेती है। लेकिन तभी रेचल की बहन वहां पर आती है और ललित पर हमला कर देती है और बच्चा छीन लेती है, और रेचल से कहती है कि ये लो तुम्हारा बच्चा और यहां से भाग जाओ, और खुद ललित को रोकने में लग जाती है, लेकिन अपनी खतरनाक लोरी को सुनाकर ललित उसे मार देती है। और उधर जब रेचल भाग रही होती है तो सारे शीशे टूटने लग जाते हैं, जिससे रेचल खुद को और अपने बच्चे को उन शीशों से बचाती हुई नजर आती है। और तभी एक शीशे में उसको उसके हस्बैंड दिखाई देते हैं जो हाथ में मोमबत्ती लेकर दुआ पढ़ रहे होते हैं, और फिर रेचल उस शीशे की तरफ भागती है, लेकिन तभी ललित वहां आकर उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शीशे के टूटने से पहले ही रेचल उस शीशे को पार कर जाती है और अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। फिर ललित भी उन पर हमला करने के लिए आईने से बाहर आती है, लेकिन अब रेचल और उसका पति दोनों मिलकर उस दुआ को बोलने लग जाते हैं, जिससे ललित को उस दुनिया में आने से रोक देते हैं, और उसके बाद एकदम से सब शांत हो जाता है और लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेचल जिस बच्चे को बचाकर लाई होती है वो रेचल का नहीं बल्कि उसकी बहन का होता है, क्योंकि रेचल की बहन ने अपना बच्चा रेचल के बच्चे के साथ बदल दिया था। और जब रेचल अपने बच्चे को चेक करती है तो वो बच्चा उसकी बहन का ही होता है, मतलब कि रेचल का अपना बच्चा तो अब भी ललित की दुनिया में उसके पास था, और ये देखकर रेचल काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर रेचल का पति उस किताब को उस पृष्ठ से चुरा लेता है और रेचल के पास वापस ले आता है, मतलब कि अब रेचल और उसके पति वापस ललित की दुनिया में जाकर अपने बच्चे को वापस लाने की सोच रहे थे, लेकिन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस दुनिया में केवल ललित ही नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल और थी जो कोई और नहीं बल्कि रेचल की बहन ही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, मतलब कि इससे अगले वाले भाग में ये कहानी और भी मजेदार और भी डरावनी होने वाली है।